उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। अब सिर्फ 9 जिलों में 100 से अधिक सक्रिय केस है। महोबा कोरोना मुक्त हो चुका है और इसके सहित 8 जिलों में अब 10 से कम कोरोना संक्रमित रोगी है। आज उत्तर प्रदेश में करीब 150 मामले सामने आए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। उत्तर प्रदेश में पहली बार पिछले 24 घंटों में 173 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 328 लोग डिस्चार्ज हुए और सक्रिय मामलों की संख्या 3,197 हो गई। पिछले 2 महीनों में कोरोना मामलों में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। पिछले 24 घंटे में 2,21,000 कोविड टेस्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 40 मरीजों की मौत हुई है। वहीं देश भर में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस का खतरा अब उत्तर प्रदेश में भी मंडराने लगा है। नागपुर से आए एक व्यक्ति में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अहम निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने प्रदेश में आने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच पर उनके सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।